आज के समय में दौर ऐसा आ चुका है कि जो पशु इंसान के काम का नहीं रहता वह सड़कों पर आवारा छोड़ दिया जाता है। मतलब परस्त इंसानों द्वारा छोड़े गए आवारा पशुओं का सहारा बन रहा है सुंदरनगर शहर का 12 वर्षीय नन्ना आर्यन ठाकुर। सुंदरनगर शहर में MLSM कॉलेज के पास रहने वाला आर्यन ठाकुर आवारा पशुओं के साथ दोस्ती करने में माहिर हो गया है। आर्यन के पिता राजेश ठाकुर भी आवारा पशुओं के साथ काफी लगाव रखते हैं और आर्यन को ये सीख अपने पिता से ही मिली है। लॉकडाउन की स्थिति में जब आवारा पशुओं के सामने खाने का संकट मंडराने लगा तो आर्यन ने इनकी और ज्यादा मदद करने की सोची और मदद भी की। आर्यन ना ही तेज धूप देखता है और ना ही बारिश। रोजाना अपनी साइकिल निकाल कर अपने घर के आसपास वाले सभी आवारा पशुओं के लिए खाद्य सामग्री के साथ मिलने पहुंच जाता है। चाहे गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बंदर हो या अन्य कोई जानवर हो, आर्यन सभी को एक समान नजर से देखता है और जितना संभव हो सके उनके लिए खाने का इंतजाम करता है। यहाँ तक कि आर्यन ने अपनी सारी पॉकेट मनी भी इसी काम पर खर्च कर दी है। अब नतीजा ये हो गया है कि आर्यन के घर आवारा पशुओं ने खुद ही आना शुरू कर दिया है। आर्यन ने बताया कि उसने इन सभी से दोस्ती कर ली है और उसी के नाते ये उसके घर पर आते हैं। जब तक कुछ खाने को ना दूं तब तक वे जाते नहीं हैं। आर्यन बताता है कि पशु खाने से ज्यादा प्यार के भूखे होते हैं और वे उन्हें अपनी तरफ से पूरा प्यार देने की कोशिश करते हैं। आजकल पशुओं के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को लेकर आर्यन काफी ज्यादा आहत है। आर्यन बताता है कि सोशल मीडिया पर जब वह इस तरह की चीजें देखता है तो उसका मन काफी दुखी होता है। आर्यन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी पशु के साथ बुरा व्यवहार ना करें, जितना हो सके इन बेजुबानों की मदद के लिए आगे आए क्योंकि हम सभी मिलकर इनकी ताकत बन सकते हैं। 12 वर्षीय आर्यन इतनी छोटी सी उम्र में कई समझदारी भरे काम कर रहा है। पिता राजेश ठाकुर से फोटोग्राफी का काम बारीकियों से सीखकर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। वहीं इसी उम्र में करसत करने का जुनून भी खूब पाल लिया है। आज जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस की बीमारी फैली है तो उसकी वजह से लॉकडाउन में जो जानवर हैं उनको कोई खाने देने वाला नहीं था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको खाना दूंगा। तो फिर मैं रोज सड़क में जाता और उनको खाना और पानी देता, तो फिर वो धीरे धीरे मेरे दोस्त बनते गए और वो बाद में मेरे घर के दरवाजे के आगे खड़े जाते और जब तक मैं उनको कुछ देता नहीं वो उधर से हिलते नहीं थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी पॉकेट मनी है जो मेरे मम्मा पापा मुझे देते हैं उससे मैं उनका ख्याल रखूँगा। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो जानवर है वो प्यार के ही भूखे होते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया में है कि जो जानवर के साथ लोग जो हैं वो बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो उनसे एक ही अपील है कि जानवरों के साथ ऐसा ना करें। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते कम से कम उनको उनसे बुरा बर्ताव ना करें। इस वक्त में हम एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं और हम इन बेजुबान जानवर को की भी ख्याल रख सकते हैं। आर्यन की माँ मंजू ठाकुर बताती है कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है जो इंसानियत के लिए एक मिसाल बन रहा है और बेजुबान पशुओं की सेवा कर रहा है। छोटी सी उम्र में आर्यन ने जो कर दिखाया शायद उसे करने की हिम्मत एक आम इंसान अपनी पूरी उम्र में नहीं कर सकता है। आर्यन जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं जो समाज के लिए सकारात्मक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चों के इन संदेशों से भी लोग सीख नहीं ले पा रहे हैं। मुझे अपने बेटे आर्यन ठाकुर पर गर्व है कि उसने इस मुश्किल वक्त में जब पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है COVID-19 और जो लॉकडाउन चला हुआ था उसमें उसने डिसाइड किया कि मुझे बेजुबान जानवरों की हेल्प करनी है और उसने गलियों में घूमने वाले आवारा जानवरों को खाना खिलाकर एक मानवता की मिसाल पेश की है।